गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न फिफ्थ चैप्टर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ऑल ऑफ यू नो इवन नंबर ऑड नंबर, ओके। लिसन, इवन नंबर मीन्स इवन नंबर हैज इवन नंबर के यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 एज इट यूनिट डिजिट, उसे हम क्या कहेंगे? अगर यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये डिजिट्स है तो हम उस नंबर को इवन नंबर कहते हैं, ओके। सो इट इज डिविजिबल बाय 2। देन ऑड नंबर, ऑड नंबर मीन्स काउंटिंग नंबर्स विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। मीन्स जिस नंबर को 2 से हम डिवाइड नहीं कर सकते वो सभी नंबर ऑड नंबर्स है। एंड उसके यूनिट प्लेस पे कौन से डिजिट चाहिए फिर? 1, 3, 5, 7 और 9 इट्स यूनिट डिजिट, ओके, एज यूनिट डिजिट। उसकी यूनिट प्लेस पे अगर ये डिजिट है तो हम उसे एड ऑड नंबर कहते हैं। नाउ डिविजिबिलिटी टेस्ट, अभी डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें कैसे रिकग्नाइज करना है, कैसे पहचानना है? वी कैन इजिली फाइंड वेदर अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 यूजिंग द फॉलोइंग टेस्ट। इस टेस्ट के अनुसार हम कौन से नंबर, किस नंबर को कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, ये हम इस टेस्ट के अनुसार हम बता सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। सो फर्स्ट टेस्ट इज डिविजिबिलिटी टेस्ट और बाय 2। देखो, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2, अगर एक नंबर डिविजिबल बाय 2 है तो मीन्स 2 से डिवाइड होता है, तो कैसे? एनी वन ऑफ 0, 2, 4, 6 और 8 जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे ये डिजिट्स है हम उस नंबर को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ओके। 2 से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर 3, 5, 5 अगर ये नंबर है तो हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। इसके यूनिट प्लेस पे जैसे यहाँ पे है 2, 4, 8, 0 ऐसे 1 मीन्स 0, 2, 4, 6 और 8 अगर ये डिजिट है तो हम उसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ओके। देन डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3। 3 का टेस्ट क्या है? अगर जिस नंबर का एडिशन हमें क्या करना है, सम ऑफ करना है। अभी ये नंबर है 1, 0, 6, 7, 1 हमें क्या करना है, इसका सम ऑफ करना है, सब डिजिट का एडिशन करना है। 1 + 6 = 7, 7 + 7 = 14, 14 + 1 = 15 and 15 इज डिविजिबल बाय 3 क्योंकि 3 के टेबल में 15 आते हैं। सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। सो ये जो नंबर है वो भी 3 से डिवाइड होता है। देन 4 का टेस्ट क्या है? देखो, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट ऑन इट्स एक्सट्रीम राइट इज डिविजिबल बाय 4। जैसे हमें बताया है कि यहाँ पे एग्जाम्पल है 24,836 इज डिविजिबल बाय 4, ये 4 से डिवाइड होता है। कैसे होता है? इसके जो वंस एंड टेंस यूनिट प्लेस है, वंस एंड टेंस मीन्स 36 नंबर, 36 इज द नंबर इज डिविजिबल बाय 4, 36 4 से डिवाइड होता है, 4 × 9 = 36, ओके। सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4, जिस नंबर के यूनिट एंड टेन प्लेस पे जो नंबर है अगर उसको 4 से डिवाइड होता है तो वो पूरे नंबर को 4 से डिवाइड कर सकते हैं। अभी 5 का टेस्ट क्या है? अगर उसके यूनिट डिजिट जो है 0 और 5 है तो वो पूरा नंबर 5 से डिवाइड होता है। जैसे 0, अभी यहाँ पे 5, ये जो पूरे नंबर है इसके यूनिट प्लेस पे 0, 5 है ना, इसीलिए ये भी 5 से डिवाइड होते हैं, ओके। नाउ डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6। 6 का जो टेस्ट है कैसा है? देखो, अगर जो नंबर 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है, 2 से कैसे डिवाइड होता है, उसके यूनिट प्लेस पे क्या चाहिए हमें? 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये डिजिट है तो वो 2 से डिवाइड होता है। और 3 से कैसे होता है? उसका सम ऑफ अगर 3 के टेबल में है तो 3 से डिवाइड होता है। तो ये दोनों भी हमें क्या चाहिए, 2 और 3 से जो नंबर डिवाइड होता है वो नंबर को हम 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं।
अभी यहाँ पे सम ऑफ दिया है 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 6 19, 19 प्लस 6 26 प्लस 4 30, 30 इज डिविजिबल बाय 3 एंड यूनिट प्लेस इज 4, सो 2 एंड 3 इज डिविजिबल बाय दिस नंबर, सो दिस नंबर डिविजिबल बाय 6, सो क्या होता है 6 से भी ये डिवाइड होता है। 7 का टेस्ट क्या है, अभी 7 का टेस्ट ये बताया है, अगर अभी ये नंबर हमें एग्जांपल में दिया है 2961 में 1 प्लेस का जो नंबर है 1, 1 का इसको हमें डबल करना है 1 टू जा 2, तो इस नंबर में से 296 में से 2 क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, जो नंबर डबल किया है वो सब्सट्रैक्ट करना है और रिमेनिंग जो नंबर है उसको हमें 7 से डिवाइड करना है। अगर उसको 7 से डिवाइड होता है तो वो पूरे नंबर को 7 से डिवाइड होता है। ओके, सो इट्स नंबर इज डिविजिबल बाय 7। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड टेस्ट ऑफ 1, 2 to 7 डिविजिबल टेस्ट एंड रिमेनिंग टेस्ट वी कैन सी नेक्स्ट ग्रेड। ओके, सो ऑल दीज डिविजिबिलिटी टेस्ट राइट डाउन इन योर नोटबुक। ओके, थैंक यू।